तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, और पर्टिकुलरली यूपी जुडिशरी भी अपकमिंग एग्जाम्स है आपके, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है। इस पूरे साल में अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो भी दिए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, उन सारा एक अवार्ड्स का मैंने एक कंपाइलेशन किया है, एंड ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट से ज़रूर बताएं कि आपको और भी क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसमें प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो जीएस के कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक हो जिसमें आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक वीडियो बनाएं, तो आप हमें प्लीज़ उस बारे में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, एंड देखते हैं कि क्या क्या अवार्ड्स जो है पूरे साल भर में दिए गए हैं, एंड उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इसे, ठीक है। सो फर्स्ट जो है, जस्ट मिनट में, तो पद्म विभूषण जो है, पहले हम लोग पद्म विभूषण के बारे में बात करेंगे। पद्म विभूषण किसको किसको दिया गया, ठीक है। तो मिस प्रतिभा अत्रे को दिया गया है, ठीक है। प्रतिभा अत्रे जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से है, ठीक है। आर्ट के फील्ड में दिया गया, ये याद रखिएगा, आर्ट के फील्ड में, ठीक है। उसके बाद राधे श्याम खेमका को ये अवार्ड दिया गया है जो कि लिटरेचर में आता है, ठीक है। लिटरेचर में यूपी में पोस्थुमस, ठीक है। तो यूपी में पोस्थुमस मतलब बेसिकली जो है पहले जो है वो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जनरल बिपिन रावत उनको दिया गया है सिविल सर्विसेज के लिए। जनरल बिपिन रावत जो है वो हमारे देश के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारे सीडीएस थे, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उनकी अभी हाल ही फिलहाल में वो उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में उनके शहीद हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट अवार्ड है वो श्री कल्याण सिंह को दिया गया है पब्लिक अफेयर सेक्टर में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो तीन चारों अवार्ड है ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है टोटल 17 लोगों को दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो नेम्स है वो है गुलाम नबी आजाद का, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है कांग्रेस के, ठीक है। सत्य नडेला, ठीक है, सुंदर पिचई गूगल के, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, साइरस पूनावाला, ठीक है, इन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है पद्म भूषण, ठीक है। एक चीज ये देख लीजिएगा, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो है ये किस साल में शुरू हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं ऑस्कर अवार्ड्स की तरफ, ठीक है। ऑस्कर भी काफी चर्चाओं में रहता है पूरे साल भर, तो हम ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। तो 94th अकेडमी अवार्ड जो है वो, जिसको ऑस्कर अवार्ड फंक्शन बोलते हैं, 94th अकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली हुआ है कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। बेस्ट एक्टर जो किसको दिया गया है, विल स्मिथ को दिया गया है फॉर किंग रिचर्ड, ठीक है। बेस्ट फिल्म सीओडीए, ठीक है, कोडा। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन, ठीक है, जेसिका चेस्टेन को फॉर द आईज ऑफ द टैमी आई, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर कौन था, जेन कैंपियन फॉर द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। अब उसके बाद हम आते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो फेमस लिटरेचर अवार्ड है इंडिया का, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड किस सेक्टर में किसको किसको मिला, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं, ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर का हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी और लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे मतलब फर्स्ट पोजिशन पे आता है ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, बहुत प्रोमिनेंट अवार्ड है। और ये किसको फर्स्ट जो विनर था वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था फर्स्ट अवार्ड का 1965 में, और किसको दिया गया था, जी शंकरा शंकरा क्रूप, ठीक है, इनको दिया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल। ये मैं फर्स्ट अवार्ड की बात कर रहा हूँ 1965 में, ठीक है। और जो अभी लेटेस्ट दिया गया 57th 2022 में, ये दिया गया दामोदर माउजो को, ठीक है, कोंकणी लैंग्वेज के लिए। उनका योगदान था जो है वो कोंकणी लैंग्वेज में था, और उनको दामोदर माउजो को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है इस साल, जो कि 57th अवार्ड था 2022 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा स्पोर्ट्स अवार्ड, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले देखते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको दिया गया, मैक्स वेस्टेपन को, F1 रेसिंग ड्राइवर है ये, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर ये किसको दिया गया है, एलन थॉम्सन को दिया गया, ठीक है, और ये जमाइकन एथलीट है, ठीक है।
उसके बाद ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, एमा रेडुकनो को, ठीक है। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड, ये सारी चीजें देखिए याद करने वाली, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं आपको इसमें कुछ एक्सप्लेन जैसा नहीं है, और ये डायरेक्टली चीजें आप कह सकते हैं कि एक मेमोराइज करने वाली चीजें हैं। उसके बाद वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसको गया है, पीआर सृजीश को, ठीक है, पीआर सृजीश को गया है, ठीक है। और एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड जो है वो किसको गया है, शफाली वर्मा को फॉर क्रिकेट, ठीक है। और फर्स्ट पैरा एथलीट, फर्स्ट पैरा एथलीट जो जिनको पद्म भूषण मिला है वो कौन है, याद रखिएगा फर्स्ट है, इसलिए देखिए फर्स्ट वाली जो चीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा फर्स्ट वाली जो देवेंद्र झाझरिया, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड, 22nd आईफा अवार्ड, आईफा जो अवार्ड जो फिल्म फेस्टिवल का मिलता है, तो आईफा अवार्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आईफा अवार्ड में देखते हैं कौन सी फिल्म मूवीज को, कौन से एक्टर्स को, कौन से एक्ट्रेस को, कौन से डायरेक्टर को, ये सारी चीजें मिली है। तो जो फर्स्ट है हमारा बेस्ट फिल्म जो है वो बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला है शेरशाह को, शेरशाह जो आई थी अभी रिसेंटली, वो विक्रम बत्रा, शहीद विक्रम बत्रा की लाइफ पे थी शेरशाह, ठीक है। इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला, विष्णुवर्धन को, विष्णुवर्धन किस चीज़ के, देखिए शेरशाह के लिए, फिर दोबारा शेरशाह काफी न्यूज़ में रही है, ठीक है, शेरशाह मूवी। बेस्ट एक्टर किसको मिला, विकी कौशल को, किसके लिए, सरदार उधम सिंह, ठीक है, सरदार उधम सिंह के लिए विकी कौशल को बेस्ट एक्टर का मिला है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला, कृति सैनन को, किसके लिए, मिमी के लिए, ठीक है। उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसको मिला, पंकज त्रिपाठी को, सपोर्टिंग एक्टर के लिए फॉर लूडो फिल्म, ठीक है। उसके बाद बेस्ट लिरिक्स किसको मिला है, कौसर मुनीर, कौसर मुनीर को बेस्ट लिरिक्स मिला है फॉर सॉन्ग लहरा दो, ठीक है। ये किस मूवी का है, फिल्म 83 का। उसके बाद 64th ग्रैमी अवार्ड अभी मिला है, ग्रैमी इंटरनेशनल अवार्ड है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है, एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, वी आर को मिला है, जॉन बेटिस्टी, अमेरिकन सिंगर। उसके बाद सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है वो लीव द डोर ओपन को मिला है, सॉन्ग ऑफ द ईयर। फिर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो किसको मिला है, ये मिला है लीव द डोर पे, दोनों जो, ठीक है, सॉन्ग ऑफ द ईयर भी इसी को मिला है और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी इसी को मिला है। उसके बाद बेस्ट न्यू आर्टिस्ट किसको मिला है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट मिला है ओलिविया रोड्रिगो को, ठीक है, ओलिविया रोड्रिगो को, अमेरिकन जो है वह, उनको बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए अवार्ड मिला है। उसके बाद आता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड में से अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड देखिए किसको मिला है, पुष्पा द राइस, ठीक है, पुष्पा द राइस को मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म ऑफ द ईयर के लिए। उसके बाद बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला, देखिए शेरशाह, देखिए फिर शेरशाह, ये तो शेरशाह काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है, रणवीर सिंह को, किसके लिए, फॉर फिल्म 83, ठीक है, जो कपिल देव की बायोग्राफी मूवी थी उस पर उनको मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है कृति, देखिए कृति सैनन को मिला है फिर से मिमी के लिए, ठीक है। तो कृति सैनन को अभी पीछे मैंने, हमने देखा था कि आईफा में भी मिला था ये चीज, ठीक है, तो और यहाँ पे भी उनको मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, नोबेल प्राइज, ठीक है। तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसको मिला, बेन एस बनैंको, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिविक, ठीक है, इनको मिला है फॉर रिसर्च ऑन बैंक ऑन फाइनेंशियल क्राइसिस पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा किस चीज के लिए मिला है। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, एलिस बियलिस बियलिस्की, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, जो कि बेलारूस से रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, मेमोरियल को, और यूक्रेन के एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर अवार्ड किसको मिला है, फ्रेंच ऑथर को, एनी एनॉक्स को मिला, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए अवार्ड किसको मिला, स्वांते पाबो को, जो कि स्वीडन से बिलोंग करते हैं। केमिस्ट्री अवार्ड किसको मिला है, कैरोलिन आर बर्तोजी, जो कि यूएसए है, के बैरी शापलेस यूएसए, और मॉर्टम मेल्डर जो डेनमार्क से। और फिजिक्स के अवार्ड जो एलन एस्पेक्ट को, ठीक है, उसके बाद जॉन एफ क्लॉजर को, और एंटन जेलिंगर को, ठीक है। तो ये सारे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको, और ये क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स का अवार्ड किसको मिला, लिटरेचर किसको मिला, ये इन सारे कैटेगरी जो मैंने इस पेज पे बताए हैं, ये सारी चीज आ सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करेंगे, एंड आई एम रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड अपने वैल्यूबल कमेंट से हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो क्या अच्छा लगा, और आपके क्या क्या टॉपिक्स है जिस पर प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट कि हम उस पर नया वीडियो बना सकें। ऑलराइट, तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।